हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशिन टेक चैनल में। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं रियलमी का कोई भी डिवाइस, रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं रियलमी का एक ऐसा हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे रियलमी 3 में यहाँ पर राइट कॉर्नर में कुछ इस तरह का आइकन जो है देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये क्या फीचर है और इसे आपको कैसे यूज़ करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, रियलमी के कौन से स्मार्टफोन में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा, और अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं है तो आपको ये कब तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस फीचर की मदद से आप बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है ओनली वन क्लिक में यूज कर सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल ये फीचर होने वाला है। तो वीडियो में मेरे साथ आपको एंड तक जरूर बने रहना है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले आपको इस फीचर का यूज बता देता हूं कि ये फीचर जो है आपके क्या काम आने वाला है और किस तरह से ये जो फीचर है यूजफुल होने वाला है। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे इनेबल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का आइकन जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं ओनली वन सिंगल क्लिक में। तो यहां पर सारे फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देख सकते हैं जो असिस्टेंट वाला फीचर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक करने के बाद में यहां पर जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा ओनली वन क्लिक में। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो देख सकते हैं कि यहां पर पावर ऑफ, अगर आप इसको क्लिक करते हैं जो आपका फोन जो है वो पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की। तो यहां पर आप इसको क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से आपका वॉल्यूम पैनल जो है ओपन हो जाएगा। आप इस तरह से वॉल्यूम पैनल के शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट फीचर की, तो देख सकते हैं रीसेंट ऐप जो है आपको यहां पर फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके फोन की जो रीसेंट ऐप्स है वो ओपन हो जाएगी। यहां पर दोस्तों, अगर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका फोन जो है लॉक हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, यहां पर आपको कुछ तीन फीचर्स और देखने को मिलते हैं। यहां पर क्विक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो इस तरह से डाउन हो जाएगा विदाउट आपको स्वाइप डाउन। यहां पर दोस्तों, आपको ओनली इस आइकन पे क्लिक करना है और क्विक सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और आपके सामने जो नोटिफिकेशन पैनल है वो डाउन हो जाएगा। साथ ही यहां पर आपको दो ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। अगर आप यहां पर नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अगर आपके फोन में यहां पर कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो यहां से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों, आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहां पर जो भी आपकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपकी स्क्रीन पर है, तो आप यहां से इसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं। यहां पर इस तरह से आप जो है स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन जो है आपको इस फीचर में देखने को मिल जाए। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं जो सेकंड वाला जो ऑप्शन हमें देखने को मिला था वो यहां पर हमें किस तरह से यूज करना है। तो देख सकते हैं यहां पर इस आइकन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एसेसिबिलिटी सेटिंग्स के लिए है। अगर आप इसको यहां से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहां पर देख सकते हैं आपको एसेसिबिलिटी मेन्यू देखने को मिल जाएगा। आप इस फीचर को जो यहां से इस एसेसिबिलिटी मेन्यू में जाकर यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस फीचर को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि इस फीचर को आपको अपने फोन में कैसे इनेबल करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइकन है वो नजर नहीं आ रहा है, इसको आपको कैसे इनेबल करना है उसके लिए आपको यहाँ से जाना है सिंपली से सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है और देख सकते हैं यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्क्रीन रीडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर एसेसिबिलिटी मेन्यू में जाना है। इसको आपको यहां से अभी ये ऑफ है, इसको यहां से आपको ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं यहां पर मैं इसको ऑन कर देता हूं, उसके बाद में यहां पर इसको ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो आइकन है हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अब यहां से चलते हैं हम होम स्क्रीन पर, देख सकते हैं यहां पर जो आइकन है वो शो हो चुका है और इसको यहां से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे जो शॉर्टकट्स है वो ओपन हो जाएंगे। यहां पर आप इन शॉर्टकट्स को काफी इजिली जो है यूज कर पाएंगे। तो ये जो फीचर है कलर ओएस 6 के साथ में आता है रियलमी 3 में। यहां पर आपको रियलमी के बाकी सारे डिवाइसेस में जो है ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता होगा। दोस्तों, यहां पर मैंने रियलमी 2 में ये फीचर जो है नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर यहां से रियलमी 2 में यहां पर एडिशनल सेटिंग में जाता हूं और एसेसिबिलिटी में जाता हूं तो देख सकते हैं अभी यहां पर रियलमी 2 में स्क्रीन रीडर में ये जो फीचर है देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप रियलमी का कोई भी दूसरा स्मार्टफोन यूज करते हैं रियलमी U1, रियलमी 2 प्रो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके फोन में फीचर है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसेसिबिलिटी में रियलमी 3 में स्क्रीन रीडर में हमें एसेसिबिलिटी मेनू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर रियलमी 2 में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके रियलमी के किसी भी
स्मार्टफोन में रियलमी 3 को छोड़कर ये फीचर नहीं है। तो ये जो फीचर है आपको कलर ओएस के वर्जन 6 में देखने को मिल जाएगा। रियलमी के बाकी सारे डिवाइसेस में कलर ओएस का वर्जन 6 का अपडेट आएगा तब आपको ये जो फीचर है रियलमी के बाकी सारे स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।